पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नव में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाएं तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 26 जनवरी अमर रहे 26 जनवरी अमर रहे 26 जनवरी अमर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय चलो फिर से वो नजारा याद कर लें चलो फिर से वो नजारा याद कर लें शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें जिसमें बहकर संविधान पहुंचा था किनारे पर जिसमें बहकर संविधान पहुंचा था किनारे पर देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर लें देयर वर मेनी फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ सेल्फलेसली फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री द अमाउंट ऑफ पेन hardship and opposite that they have endured cannot put into the words. Even freedom fighters inspired and motivated others to fight against injustice. They made people aware of their rights and their power. So, to give tribute and to show respect towards these freedom fighters, here are some short prayers and offerings. I request all of you to be in prayerful mood. O Lord, we pray for the soldiers of our country. Who are always ready to sacrifice their life for the benefit of our country and do not let the danger to harm us. Lord, please give them enough courage to face all difficulties with full dedication. For this, we pray to you, Lord. O Lord, hear our prayer. Almighty Father, please bless the children of our country with healthy minds so that they may understand the value of freedom and develop the feeling of patriotism. For this, we pray to you, Lord. O Lord, hear our prayer. O Lord, I offer you this flag as a symbol of patriotism, as it represents the sacrifice of our freedom fighters. Lord, please fill the heart of the youth of our country with the feeling of patriotism and the sense of duty towards the country. For this, we pray to the Lord. O Lord, please accept our offering. O Heavenly Father, we offer you this white color as it symbolizes peace and harmony. God, please touch the mind of the people with your healing hand so that they may get away from all the fights and indifference. For this, we pray to you, Lord. O Lord, please accept our offering. Thank you.
माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, शहीदों का सपना सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महान पर्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमारा देश सदियों से गुलाम चला आ रहा था। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, परंतु हमें अधिकार नहीं दिए गए थे क्योंकि हमारा कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा अपना संविधान लागू किया गया, जिसमें भारत के नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान निर्मात्री कमेटी के अध्यक्ष थे। तब से हर वर्ष 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी का त्यौहार लाया खुशी असंग अपार, हमें मिले कर्तव्य हमारे और मिले कुछ अधिकार। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन का हमारे जीवन में राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि इसी दिन हमारा भारत देश संपूर्ण सार्वभौमिक सत्ता संपन्न गण राज्य बना था। अतः आपसे इस दिवस का स्वागत करके अखंड भारत की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। कहा भी गया है, 26 जनवरी का दिन है सब दिनों से न्यारा, चमका इसी दिन था भारत का भाग्य सितारा। जय हिंद, जय भारत। नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत। मेरी कविता का शीर्षक है संविधान।
संविधान संविधान है ये हमारी जान, न्याय है सभी को इसमें, बराबरी है सभी को, ऊंच नीच इसमें न कोई, जीवन का है हक सभी को। संविधान संविधान है ये हमारी जान, दलित को इसने सवारा, पिछड़ों को भी है संभाला, हाथ थामा है सभी का, दुख भगाया है हमारा। संविधान संविधान है ये हमारी जान, देश पूरा सूत्र में एक मजबूत होकर पिर गया है, टूटा एक धागा यहाँ से आगे फिर वह जुड़ गया है। संविधान संविधान है ये हमारी जान, लूटने को है बहुत कुछ, लुटना पर कुछ पा रहा है, दुष्ट बुनते जाल है पर कुछ फायदे में ना रहा है। संविधान 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 है ये हमारी जान। जय हिंद। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने सबसे प्यारा, आओ हम मिलके बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। A graceful good morning to all of you. On the auspicious occasion of the 73rd Republic Day of our beloved nation, I wish you, respected Sister Rosina, Sister Meera, Sister Rima, Sister Charlotte, teachers, parents, helpers, and my loving students, a very happy Republic Day. May this day be blessed by the Lord and honored by the citizens. On the 26th of January, India, our motherland, became republic. Republic means supreme power of the country is vested in the hands of the people, and we have the right to vote and choose our representative to govern our country. On 26th January 1950, our constitution came into force, which provides us duties along with rights. Every citizen has the right to live and duties to allow, let others to live. Indian citizens have the awareness towards their rights, but they shrink from their duties.
So there is a lot of corruption, illiteracy, casteism, and many other evils. As we celebrate the 73rd Republic Day of our nation, let us take an oath or pledge ourselves that we will do our duties towards our country and our fellow men honestly and faithfully. Jai Hind. As you know, today we are here to celebrate 73rd Republic Day of our country. Every year we celebrate Republic Day on 26th January because the Constitution of India came to force on this day in 1950. This day reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighters sacrificed their lives to get us the Purn Swaraj. It is because of their struggle that today we are living in a democratic country where every citizen has right to equality, right to freedom, right against exploitation, right of constitutional remedies, cultural and educational rights, right to freedom of religion. Today is the day to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity and equality among all our citizens. I would like to wind up by saying that one nation, one vision, one identity with a unity in a huge diversity salutes our nation. Happy Republic Day. Jai Hind.